पिछले 12 साल से ये हमारे नौजवान मेरे ख्याल में 12 साल से लेकर आज तक ये बूढ़े होने को तैयार है। ये क्लास फोर्थ का जो लिस्ट था उसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया, बार बार इनको कहा गया इस महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, 12 साल गुजर गए। इस ये तो काबिल मजम्मत है बात है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ये जंगल राज मुझे लगता है। ये जब जमहूरियत में एक आदमी को बात करने का हक होता है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसमें तो सियासी तौर या जमहूरी तौर मसले को हम आगे ले जाते हैं। और हमने भी बार बार जो भी सरकारें आई उसमें मेरी सरकार भी थी जिसके साथ मैं वाबस्ता था, उनकी नोटिस में भी लाया, जो बाकी सरकारें आई उनकी नोटिस में भी लाया, बीच में दो चार बार गवर्नर रूल हुआ उनकी नोटिस में भी लाया, लेकिन बदकिस्मती की बात है आज तक इन बच्चों को तरसाया जा रहा है। इनकी नींदें इन्होंने हराम की है, इनकी माँ बाप को इन्होंने परेशानियों में डाला है। अब मेरे ख्याल में एक ही चीज है, या इन बच्चों को कब्जे निकाल कर नेशनल हाईवे पर सोना है और नेशनल हाईवे को बंद करना है, ताकि ये लिस्ट जो है ये गवर्नमेंट एक्सपोज करे, इस लिस्ट को निकाले। अब मैं अपनी तरफ से मौजूदा जो यहाँ गवर्नर रूल है, गवर्नर इंतजामिया से मैं गुजारिश करता हूँ, पुरजोर गुजारिश करता हूँ, इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, इनकी जो मुश्किलें ये दूर करने के लिए इस लिस्ट को निकाला जाए, जिसके किस्मत में होगा वो बच्चा लग जाएगा, जो बाकी लोग हैं बेचारे, जो बाकी बच्चे हैं वो कोई और रोजगार का तलाश करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, मेरे जो जितने भी साथी हैं मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी आप मुझे कहोगे मैं पैदल आपके साथ चलने को तैयार हूँ, ताकि आपका ये लिस्ट निकल आए।